फाइनली आप सभी के राजस्थान बोर्ड 8th, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो है यहाँ पर फाइनली हो चुके हैं और अब सभी स्टूडेंट को इंतजार है राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट्स का, यानी आखिर का जो रिजल्ट है वो आखिरकार कब जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस क्लास में आप सभी को ये क्लियर करने वाला हूँ, इस वीडियो में आप सभी को ये क्लियर करने वाला हूँ कि राजस्थान बोर्ड 8वीं और 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड के 8th के रिजल्ट के बारे में और यहाँ पर 10th के बारे में और 12th के बारे में, और 12th के आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का जो तीनों का जो रिजल्ट है उसकी डेट शीट क्या रहने वाली है, इन रिजल्ट की फाइनली जो है यहाँ पर डेट क्या रहने वाली है, इस वीडियो में आप सभी को कंफर्म करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो यहाँ पर फाइनली इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ राजस्थान बोर्ड 8th, 10th और 12th आर्ट्स साइंस कॉमर्स का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट को विजिट करना होगा rgstudymonitor.com, जिसके डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आरबीएससी के सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान 10th रिजल्ट एंड 12th रिजल्ट की ऑफिशियली अपडेट देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 12th के रिजल्ट की, यानी 12th आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का जो रिजल्ट है वो आखिरकार कब रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा। सबसे पहले जो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी जो यहाँ पर यानी 12th क्लास के रिजल्ट जारी होंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा, सबसे पहले 12th क्लास के यहाँ पर आर्ट्स का रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। किसका जारी कर दिया जाएगा? आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद साइंस और कॉमर्स का जो रिजल्ट है या फिर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ भी जारी किया जा सकता है या साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट भी जो यहाँ पर एक साथ जारी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो कब आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर आपके बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि मेरे कितने परसेंटेज बनेंगे, तो आप सभी को ये जरूर बताना इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपके कितने परसेंटेज एक्सपेक्ट रखते हो कि इतने मेरे परसेंटेज बन जाएंगे, क्योंकि आपने पेपर को टैगल किया है, आपने पेपर को दिया है तो आपको अच्छी तरीके से एक अनुमान लग चुका होगा कि मेरे इतने परसेंटेज बन सकते हैं। तो आपको ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। बाकी आप रोल नंबर हमारे इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट थे रिजल्ट डेट क्या रहने वाली है, फाइनली जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा। तो 12th की जो आर्ट्स का जो रिजल्ट है, ध्यान से यहां पर स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और रिजल्ट की डेट जान सकते हैं। आर्ट्स कॉमर्स, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का जो रिजल्ट है इसको ध्यान से यहां पर आप डेट शीट देख सकते हैं। तो इनका जो रिजल्ट है सभी का 20 मई से पहले पहले, ठीक है, 10 मई से यहां पर 20 मई के पहले पहले जो पहले पहले आप सभी का 12th आर्ट्स कॉमर्स और साइंस कंप्लीट स्टूडेंट का जो रिजल्ट है, संपूर्ण विद्यार्थियों का रिजल्ट है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। उसके बाद बात करें 10वीं का रिजल्ट जारी होगा, तो 10वीं का रिजल्ट 20 मई से 25 मई के बीच में जारी हो सकता है और मई के एंड या फिर जून के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ द जून मंथ, तो यहां पर 8th का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपके रिजल्ट की एक एक्सपेक्टिव यहां पर डेट रहने वाली है। बाकी रिजल्ट जो है यहां पर 10 मई तक आपका जो है जारी कर दिया जा सकता है। जो भी अपडेट होगी ऑफिशियली, जो भी अनाउंसमेंट होगा इस वीडियो के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से आप सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स, ऑल ऑफ यू।